भारतीय जनता पार्टी महानगर की एक बैठक प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दिए गए बजट को लेकर गुलजारीमल धर्मशाला में की गई, जिसमें बजट को लेकर चर्चा हुई। आयोजित बैठक में कांता करदम प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रही। बैठक की अध्यक्षता महेंद्र गुप्ता महानगर अध्यक्ष और संचालन गिरीश वर्मा महानगर महामंत्री द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मुख्य वक्ता कांता करदम ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और मुख्य वक्ता कांता करदम ने कहा कि ये बजट प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बजट है। सभी के लिए कुछ न कुछ सरकार ने दिया है। बहन बेटी, नवयुवक, किसान, गरीब, सर्व समाज के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। हमें गर्व करना चाहिए। 8,815 करोड़ गेहूँ खरीद के लिए किसानों को लाभ मिलेगा। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी और सभी पदाधिकारी ये जानकारी रखें और जनता को बताएं कि बजट में आपको क्या मिला है। ये सुविधाएं जनता के लिए हैं। सभी विकास कार्यों की निधि की जानकारी रखें। जनता को बताएं कि सरकार ने उज्ज्वला योजना का लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है। घर में बिजली कनेक्शन मुफ्त दिए जा रहे हैं। काम वाली जो आपके घर पर आती है उसे सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं तथा कार्यकर्ता सभी का सहयोग करें। हमें उस पर कार्य करना है। सभी जनता के बीच बजट और योजनाओं की जानकारी दें। जनता को लोन दिलाएं ताकि वो रोजगार कर सके। कांता करदम ने सभी भाजपा पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश और प्रदेश अपना काम कर रहे हैं। आप सभी को नीचे के लोगों के बारे में सोचना होगा। गरीब को मकान और भूखे को रोटी मिले। सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। बजट चर्चा के समय बैठक में मुख्य रूप से मुख्य वक्ता कांता करदम, प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र गुप्ता, महानगर अध्यक्ष गिरीश वर्मा महानगर महामंत्री, राहुल शर्मा महानगर महामंत्री, नथुराम कश्यप, वीरपाल सिंह, नवीन चौधरी, संजय शर्मा, राकेश शर्मा, राजीव गुप्ता, चुन्नीलाल सैनी, आरडी चतुर्वेदी, हरीश भसीन, मंगल सेन राजपूत, सभी मंडल अध्यक्ष नवदीप टंडन, शमी भटनागर, अमित शर्मा, अरविंद सिंह, आलोक सैनी, केपी सैनी तथा पार्षद डिंपल सिंह अश्क, हेमराज सैनी, रुचि चौधरी, अंजू लोचव, मदालसा शर्मा, माया सैनी, रानी सैनी, वीना देवी, संगीता अग्रवाल, गौरव श्रीवास्तव, सोनू शर्मा, विशाल सिंह, अजय वर्मा, धर्मेंद्र मिश्रा, हरेंद्र शर्मा, सोमपाल सिंह, चंद्र कुमार प्रजापति, कुलदीप तिवारी, राजीव गुप्ता के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा अभी केंद्र सरकार ने 5 करोड़ उज्ज्वला योजना का जो लाभ बहनों को देने के लिए, जो परिवारों को देने के लिए कहा है, इस बार उन्होंने बढ़ाकर 8 करोड़ करा है। क्या किसी को पता है? तो हमें ये सब चीजें हमें बतानी चाहिए और ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को जो कभी वह कल्पना नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते कि जिनके घर में लालन पालन करने के लिए ही बहुत मन्नतें और मेहनत करनी पड़ती है, कनेक्शन नहीं ले सकते, ऐसे लोगों को भी हमें कनेक्शन हमें दिलवाने का जो फ्री उज्ज्वला योजना का है, हम लोगों को भी वह ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसे लोगों को हमें कनेक्शन अपने द्वारा भी हमें दिलवाना चाहिए। उनको भी पता रहे ना कि हम जो वोट मांगने आते हैं हमारे बीच में, उनको अगर हम वोट देते हैं तो उनको वोट देने से हमें इतना लाभ है। लगे क्या है, प्रदेश सरकार नहीं कर रही है कुछ, इतना सब कुछ हो रहा है कि आज पहली बार इस सरकार में ऐसा बजट हुआ जो कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। आने वाले समय में भी जो भी कार्य होंगे, जो सरकार करेगी, वो सब ऐसे गरीब मजदूर सभी लोगों के हित की बात उतना होगी। जो लोग थोड़े थोड़े से उसकी बात करते हैं, फिर मीडियम वर्ग वाले ही जो लोग हैं वो कहते हैं सब ये नहीं मिला वो नहीं मिला। मीडियम वर्ग वाले ही सरकार चला रहे हैं, वही सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो उन्हें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। हमसे जो नीचे के स्तर के लोग हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनके बारे में सरकार ने कितना सोचा है, कितना उज्ज्वला योजना हो, एक महिलाओं की योजना हो, कोई भी मकान गरीबों को मकान दिलाने की योजना है, ये बहुत बड़ा ऐसा काम है जो 2022 तक सरकार ने प्रण किया कि कोई भी आदमी बगैर मकान के नहीं रह पाए, तो ये कितना आसान काम नहीं है। किसी को जो बेघर हो, जिसके पास एक रहने को छत ना हो, उसको एक मकान सरकार देने जा रही है, और किसी गरीब को इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है।